राज्य प्रशासनिक परिषद की ओर से जम्मू कश्मीर बैंक को पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाने के विरोध में जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों ने सोपोर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों ने कहा कि इस फैसले से बैंक की प्रगति प्रभावित होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैक जब तक इस फैसले को वापस नहीं लेगी वे अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। रियासत में जितने भी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखेंगे उनकी हालत आपके सामने है, किसी के दिकिच भी बात नहीं है। और हमारे J&K बैंक का जहाँ तक ताल्लुक है, ये रियासत का वाहिद ऐसा इदारा है जो कि न सिर्फ मुनाफा बख्श है बल्कि इकानमी का एक बहुत ही ज़रूरी और अहम हिस्सा है। और इसके साथ जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की जो जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक ने इस रियासत के आवाम को उन हालात में बैंकिंग की सहूलियात मैसर की जब यहाँ 1990 में जो शोरिश स्टार्ट हो गई, तब यहाँ जितने भी बैंक थे बाकी उन्होंने अपने शटर जो है नीचे कर दिए और वाहिद जम्मू कश्मीर बैंक का एक ऐसा इदारा था जिसने अपने आवाम को, रियासत के आवाम को हर एक बैंकिंग की जो सहूलियत थी अपने मजदूर के हिसाब से मैसर रखी। अब सवाल यह है कि जो हालिया स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से, इस तनाजुर में कि इसके असरात जो हैं बैंक के लिए सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं, मुनाफी असरात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने, हमारी फेडरेशन ने यह फैसला किया है कि जब तक हुकूमत ये फैसला अपना वापस नहीं लेती है तब तक जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुलाजिम हैं वो अपना एहतजाज। सोपोर से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।